आज बनाएंगे एक ऐसी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जिसका टेस्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ना चॉकलेट, ना क्रीम, ना ही कुछ बेक करना। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे बनाने के लिए। तुरंत ही आप इसे बना सकते हैं। केक, पेस्ट्रीज, कुकीज को इससे गार्निश कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। घर में पड़े कुछ ही सामान से ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। हेलो फूडीज, वेलकम टू अनुशास किचन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चॉकलेट गनाश फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमें जरूरत है 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा की। इसकी जगह आप आटा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आटे का टेक्सचर काफी मोटा सा होता है तो वो इसके साथ जाता नहीं है। 1/4 कप शुगर ऐड कर दिए हमने। शुगर आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 1/2 कप मिल्क ऐड कर दिया है। सारी चीजों को पहले अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद ही गैस ऑन करेंगे एंड इसको लगातार चलाना है हमें। इस तरह का विस्क आप ले लीजिए, बलून विस्क, एंड इससे लगातार चलाते रहिए। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे कि आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होने लगेगा एंड ये काफी शाइनी सा हो जाएगा, तब आप समझिए कि ये पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसकी जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसकी शाइन और ज्यादा बढ़ जाएगी एंड क्रीमिनेस और आ जाएगा इसमें। बस हमारा फ्रॉस्टिंग तैयार हो गया है। अगर आप इसे पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाना चाहते हैं तो मैदा को आप 1 टेबलस्पून कर दीजिए एंड दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। अगर आप चॉकलेट फ्रॉस्टिंग नहीं बनाना चाहते हैं एंड नॉर्मल फ्रॉस्टिंग चाहते हैं तो भी प्रोसेस यही रहेगा। मैदा, शक्कर और दूध को मिलाइए, पका लीजिए, इसमें बाद में घी ऐड कर दीजिए, इसमें कोई भी कलर ऐड कर दीजिए, आपका बहुत ही बढ़िया मिरर ग्लेज फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगा। अगर आप व्हाइट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाना चाहते हैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया व्हाइट कलर आ जाएगा एंड बिल्कुल ऐसा लगेगा कि व्हाइट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है। ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल रेसिपी है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपके कोकोआ पाउडर, मैदा, शक्कर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े भी लम्स आपको दिखाई दे रहे हो तो आप छन्नी से इसे छान लीजिए एंड पकाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आप लगातार इसे चलाते हुए पकाए ताकि कोई भी गुठली इसमें ना आ पाए एंड बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर आए।